साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉक में। आज हम अपनी यूपीपीएससी आरओआर सीरीज में आज आपका टेस्ट पार्ट थर्ड लगाएंगे। इसमें फिर से हमने 40 प्रश्नों को लिया है और इसमें आज हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जाए। ठीक है, और आपको ईमानदारी से पक्का ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द, एक ए मितव्ययी, बी अल्पव्ययी, सी कृपण, डी सर्वज्ञ। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कृपण। कंजूसी से ध्यान व्यक्त करने वाले को हम कृपण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी की सहायता करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए सहायक, बी सहृदय, सी सहचर, डी सहकार। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सहायक। किसी की सहायता करने वाले को हम सहायक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए अनादि, बी अद्योपांत, सी समकालीन, डी समचीन। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अद्योपांत। आदि से अंत तक के लिए क्या बोलते हैं हम? अद्योपांत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर आक्रमण हो, याद रखिएगा, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए आक्रमण, बी आक्रमण आक्रामक, सी आत्मघाती, डी आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या बोलेंगे हम? आक्रांत बोलेंगे, जो डरा हुआ आक्रांत। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए इंद्रिया इंद्रियाजीत, बी इंद्रियातीत, सी इंद्रिय निग्रह, डी इंद्रधनुष। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए हम बोलते हैं इंद्रियातीत। क्या बोलते हैं? इंद्रियातीत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए इंद्रजे, बी इंदु, सी जितेंद्रिय, डी इंद्रजीत। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम इंद्रजीत कहते हैं, वही मेघनाथ वाला। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे पूर्व उत्तर के बीच, मान लिया हमारा ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, कि ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो बोला जा रहा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, मतलब इस कोण को, इस दिशा को हम क्या कहते हैं? ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य, डी नैऋत्य। जिसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ईशान। इस कोण को हम क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो या जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए उद्भिज, बी द्विज, सी स्वयंभू, डी भूधर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको हम क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए कुलीन, बी राजपुत्र, सी द्विज, डी पूजनीय। तो जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसके लिए एक वाक्यांश हमारा है कुलीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए आशातीत, बी जिज्ञासु, सी वैष्णव, डी कुलीन। तो जो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक वाक्य हमारा है जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए इंद्रजीत, बी इंद्र, सी इंद्रिपति, डी जितेंद्रिय। तो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है उसको हम जितेंद्रिय कहते हैं, मेनली हनुमान जी के पर्यायवाची है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए जिजीविषा, बी चतुरानन, सी जीविका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा रखने के लिए क्या वर्ड है हमारा? जिजीविषा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए तर्कसम्मत, बी तर्कसंगत, सी तकावी, डी तटस्थ। तो जो तर्क के द्वारा माना गया उसके लिए क्या वर्ड को यूज करते हैं? तर्कसम्मत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ए दत्त, बी दत्तक, सी दत्तचित, डी दंपति। तो
जो गोद लिया हुआ पुत्र हो उसको क्या बोलते हैं, मेनली दत्तक पुत्र बोलते हैं, पर गोद लिया के लिए क्या हमारा हो जाएगा, दत्तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए अलभ्य, बी सुलभ, डी दुर्लभ और सी दुर्लभ और डी अलंग्य। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए क्या वर्ड हमारा यूज होता है, ऑप्शन सी दुर्लभ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो देने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए गे, बी दे, सी पे और डी दान। तो जो देने योग्य है उसको क्या बोलते हैं, दे बोलते। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए वानग्नि, बी दानावल, सी जठराग्नि, डी बड़वानल। तो जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसको क्या बोलते हैं, हम दनावल बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात में विचरण करने वाला प्राणी वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए निशाकर, बी बंचर, सी तमचोर, डी निशाचर। तो रात्र में जो विचरण करते हैं उन प्राणियों को हम क्या बोलते हैं, हम निशाचर बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए मर्माहत, बी क्रूर, सी निर्मम, डी निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, हम निर्मम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए निष्पलक, बी निष्प्रिय, सी निर्निवेश, डी निर्विकार। तो बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, निर्निवेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है, ए जिसका संबंध मनुष्यों से है, बी जिसका संबंध प्रथा से है, सी जिसका संबंध ईश्वर से है, डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पार्थिव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए सामाजिक, बी प्रत्यक्ष, सी सुलभ, डी प्रियतम। तो जो आंखों के सामने उसके लिए क्या बोलते हैं, हम प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना उसके लिए परोक्ष। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ए पुरातत्ववेत्ता, बी भूगर्भवेत्ता, सी रेतत्व शास्त्री, डी भूकंपवेत्ता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भूगर्भवेत्ता। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले क्या बोलते हैं, हम भूगर्भवेत्ता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए भावी, बी गत, सी विगत, डी आभास। तो जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए एक वाक्यांश क्या हमारा है, भावी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए मोक्षकामी, बी मौक्तिक, सी मुमुक्षु, डी मुमुक्षी। तो मोक्ष की कामना करने वाले के क्या बोलते हैं, हम मुमुक्षु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए कंजूस, बी मितव्ययी, सी लोभी, डी मक्खीचूस। तो जो कम खर्च करता है उसके लिए क्या बोलते हैं, हम मितव्ययी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए त्रिकालज्ञ, बी बहुज्ञ, सी ज्ञानी, डी सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम सर्वज्ञ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक युगों से चले आने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए समीचीन, बी प्राचीन, सी सनातन, डी कालांतर। तो अनेक युगों से चले वालों के लिए एक एक वाक्यांश क्या हमारा है, सनातन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वर्षों का समूह वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए दशक, बी शताब्दी, सी सहस्त्र, डी कोटि। तो 100 वर्षों के समूह के लिए क्या यूज करते हैं, हम शताब्दी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनियमित वाक्यांश के लिए उचित वाक्यांश चुनिए, मतलब अनियमित के लिए हमें मतलब वाक्य चुनना है, ए जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, बी जो नियमानुकूल ना हो, सी जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, डी जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो जिस पर कोई नियंत्रण ना उसको क्या बोलते हैं, हम अनियंत्रित। क्या बोलते हैं, अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो वही हमारा क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो उसको क्या बोलते हैं, हम अनिर्णित। ठीक है, जिसका निवारण ना हो सके तो
ठीक है, वो अनिवार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही है? ऑप्शन बी सही है। आइए अगला देखते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अनुग्रहित, बी अनुग्राहित अनुग्रहातीत, सी विग्रह, डी निर्जर। तो जो अनुग्रह से युक्त है उसके लिए क्या बोलते हैं हम? अनुग्रहित। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति आई मीन निचले वर्ण में हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए अंडज, बी शूद्र, सी अंत्यज, डी अछूत। तो छोटी जाति में जनरल क्या यूज करते हैं हम? अंत्यज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए आत्म साक्षात्कार, बी समानुभूति, सी अनिर्वचनीय, डी रहस्य। जिसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए निर्जर, बी निर्जर, सी अजर, डी अमर। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अजर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के एक शब्द। ए अदम्य, बी अक्षम्य, सी निर्गुण, डी सक्षम। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अक्षम्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए आक्रांत, बी देखिए ध्यान रखिएगा, जिस पर हमला ना किया गया हो। ए आक्रांत, बी आक्रामक, सी अयोध्या, डी अनाक्रांत। मतलब जिस पर हमला ना किया गया उसको क्या बोलेंगे हम? अनाक्रांत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका शत्रु, शत्रु है ये, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वाक्यांश के एक शब्द। ए अजन्मा, बी अजेय, सी अजात शत्रु, डी आक्रांत। तो जिसका शत्रु ना जन्मा उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए अजान बाहु, बी आजान बाहु, देखिए अजान है अजान बाहु, सी सम बाहु, डी विषम बाहु। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आजान बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती है उनको क्या बोलते हैं? आजान बाहु, जैसे भगवान रामचंद्र। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्यांश के एक शब्द। ए प्रसन्नचित, बी प्रसून, सी प्रसन्ना, डी आशुतोष। तो जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम? आशुतोष। और ये भगवान शिव का भी पर्यायवाची है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए रेखाचित्र, बी संस्मरण, सी आत्मग्लान, डी आत्मकथा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आत्मकथा। मतलब अपने जीवन पर जो कथा लिखी उसको क्या बोलते हैं? आत्मकथा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।